तो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी मेरा 2 दिन से व्लॉग नहीं आया क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से पहुंचा हूं। रास्ते में एक हादसा हो गया था, अभी दो बिरादरी की झगड़ा हुआ और उन लोगों ने लाश आके सामने जो जनाजा उठा के रख दिया, तो गाड़ियां क्रॉस नहीं होने दे रहे थे, गाड़ियों को नुकसान दे रहे थे हैदराबाद के करीब। तो हम फिर गाड़ी बैक ली और पता नहीं कहाँ कहाँ से ड्राइवर लेके आए और हम पहुँचे बहुत मुश्किल से। खैर पहुँच गए आप लोगों की दुआओं से। तो ये बात भी है, मैंने आप लोगों को पता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि भाई तारा मेटी ने गाड़ी ली, उसकी मुबारक थी। और मैं कैसे पहुँचा हूँ, क्या क्या हुआ, वो मेरा ब्लॉग में है, आप लोगों ने सारा ज़रूर देखना है। जैसे आप साथ दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आइए मेरा ब्लॉग। तो मैंने तैयारी कर ली है और अब जा रहा हूँ बाबर के पास, मैं वीडियो अपलोड कराता हूँ और उससे होता हूँ, सलाम करता हूँ। और मेरी गाड़ी टिकटें करा ली मैंने फ़ोन करके, तो मेरी टिकटें मेरी 5:30 हमने निकलना है, तो 1 घंटा रहता है, 4 बज चुके हैं, तो बाबर से होके जल्दी फिर निकलना। मैं शॉप पर आ चुका था और बाय बाय टाटा कर रहा हूँ। ठीक है भाई, गलती कोताही, माफ़ी का माफ़ी देना जी। अच्छा जी, तो जी तो टाटा बाय 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 बाय, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। ओके ओके ओके, आपके बच्चों को जाके प्यार सलाम दूंगा। ओके अच्छा, अभी तैयारी हो गई है और ये हमें बंदा हमारा भांजा लेके जा रहा है और सामान भी उठाया हुआ है। और ये रहा जी वसीम, वसीम चल रहे हैं, तो वो रही वाइफ। तो जी चलते हैं, सलाम करो भी यूट्यूब फैमिली, सलाम यूट्यूब फैमिली, दुआ करें हम खैरियत से जाएं, खैरियत से आएं। और आपको शादी भी एंजॉय कराएंगे इंशाल्लाह, हम लोग शादी भी एंजॉय कराएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह करे शादी भी खैर खैरियत से हो जाए। आप सब दुआ करना भी, हम दुआ करना, हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज़। तो चलते हैं आगे की रूटीन, इंशाल्लाह फिर दिखाता रहूँगा। बाय बाय। ये रहा मैं और वसीम जी, तो भाई बाबर के पास या फिर घर पहुँचा और जल्दी से रक्षा कराए क्योंकि दिल पर ने छोड़ने आता है उससे मिल गई सवारी, तो पैसेंजर मिला उसे, तो फिर मैं उसे पहुँचा रहे हैं आज का मुझे। और ये रही आधे घंटे बाद हमारी बस निकल रही, बस कितने बजे निकली? 5:30 गाड़ी का नंबर रहा और ये रही गाड़ी की जिस पर मैं जाता हूँ, और ये मेरा प्यारा भतीजा है जिसके साथ जाता था, और ये मेरा जो मेरा भाई है बना हुआ है जिसके साथ मैं जाता हूँ। तो चलते हैं, बस सब दुआ करना। हमारी बस और ये रहा हमारा ड्राइवर साहब, ये कुछ ऐसे गाड़ी का हालात है। और ये रहे हमारे उस्ताद, क्या रहे उस्ताद, करिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो इंशाल्लाह इस गाड़ी पर जा रहे हो तो अल्लाह खैर करे। ये रहे हमारी सीट और हमें चल पड़े अब। तो ये रही हमारी सीट, सीट तो बहुत मज़ेदार है भाई, अच्छी सीटें। वो जो भांजे आगे बैठा है और उससे बैठा है पीछे, तो ये हमारी सीटें। हम जा रहे हैं पंजाब, कराची को छोड़कर पंजाब जा रहे हैं, आपको पंजाब की रूटीन दिखाते हैं वहाँ का। अभी यहाँ पर जो है ना खाना तो अच्छा नहीं है होटल का, तो हमने नहीं खाया, हमने खुद बिरयानी लाई थी साथ वो खाई, और चाय भी ऐसे मिली है भाई। तो हम कहाँ रुके, कौन सा सईदाबाद, सईदाबाद की चाय ऐसी है भाई। और ये रहा जमील अहमद, उसकी वो चाय। और ये रहा वसीम जी, तो ये रहे जी वाइफ मेरी, तो चाय पीते हैं। कहाँ ये आपकी चाय? चाय हमारे खानदान में चाय बहुत मशहूर है। मुझे चाय बहुत, तारा बेटी को भी पसंद है। और इस चुके इधर और शोर भी बहुत है, इतने होटल तो अच्छी बनाई है और ये आपको दिखाऊँ खुशियाँ और छोटे बच्चों के लिए। और ये और बहुत खूबसूरत सिंधी टोपी, और ऐसे ही ये भाई ने सजा के रखी हुई है, तो वो चादरें कर रहे हैं वसीम के लिए, लेकिन इसे खूबसूरत नहीं लग रही है कैसे। और अच्छा, अभी हम अपने शहर में उतर चुके हैं और हमें लेने हैं आसिफ साहब। और ये रहा जमील साहब, ये सामान, और ये वाइफ, और ये मेरा भाई, और ये मेरी बहन बनी हुई है, ये भी आई हुई है मुझे लेने। और भाई हम आ गए
और अभी पता अच्छे पर जाते हैं या बैक पर, ये गाड़ी भी आई हुई है हमें लेने के लिए, तो ये बंदे हैं जी लेने के लिए। तो आप चलते घर की तरफ, आगे की रूटीन फिर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरे यूट्यूब फैमिली। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ घर पहुँच, और अब जा रहा हूँ जो मेरा भाई समझो फोत हुआ था उसके पास जा रहा हूँ। उसके आज ख़त्म है जुमारात है, तो वहाँ ख़त्म होगा तो वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से होते हैं। उसके बाद जो रूटीन हुई तो देखो मेरी मेरी आँखें भी सूज गई हैं, और भाई हाथ मेरे पाँव भी सूज गए थे, और भाई बहुत मुश्किल से हम पहुँचे, क्योंकि जब हम पहुँचे थे ना अपना हैदराबाद से आगे, तो फिर हमारे साथ ये हादसा हो गया कि अभी आगे लाइन बंद थी गाड़ियों की, जहाँ से हम जा रहे थे गुजर रहे थे वहाँ आपस का झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई किसी की, उन्होंने एक पार्टी ने दूसरी पार्टी का उठ के कत्ल कर दिया। कत्ल किया तो उन्होंने जो है ना उसको पुलिस साथ नहीं दे रही थी, तो फिर उन्होंने लाश उठा के बीच सड़क के रख दी कि हमें अपना इंसाफ चाहिए, हक चाहिए, और उन लोगों ने सड़क ब्लॉक कर दी। तो फिर हमारी गाड़ी अब दो तीन जगह से सड़क से गुज़र गुज़र के फिर हम पहुँचे, तो बहुत लेट पहुँचे हम, तो अल्लाह ने वहाँ से भी बचा लिया, क्योंकि वहाँ वो लोग अगर गाड़ी जो हम अगर गुजारते तो वो फिर गाड़ी को भी आग लगाते थे और लड़ते थे गाड़ी वालों के साथ, इसलिए हमने रिवर्स करके भागा के ड्राइवर ने पीछे लेके, तो इधर उधर से होके हम पहुँचे बहुत मुश्किल से। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से पहुँच गए, तो आगे की रूटीन जो ही दिखाएंगे। बस अब मैं जा रहा हूँ भाई का ख़त्म पर, उसके बाद फिर जो रूटीन हुआ दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय टाटा, कल की रूटीन इंशाल्लाह फिर जो हुई दिखाऊंगा जी। तो आप लोगों को ये दिखा दूँगे, मेरा बड़ा भाई है और मेरी वाइफ को उन्होंने पाला पोला पोछा था, उनकी बहन नहीं थी तो मेरी वाइफ को बहन बनाया उन लोगों, और इन लोगों ने ये डेरा बनाया, लेकिन ये तफसील से तो बाद में दिखाऊँगा। तो माशाल्लाह मैं वो कराची था तो इन लोगों ने ये बनाया, बहुत अच्छा है, विलेज में बहुत अच्छा लगता है देखो। तो ये फिर तफसील से फिर आप लोगों को आगे दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो अब मैं चल रहा हूँ ख़त्म पर, तो मैं जा रहा हूँ, और ये देखिए हमारे इलाके में ये जो है ना माल, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि भाई ये जो है ना हमारी असलियत है, और यही हमारा बाप दादा यही काम करता रहा है, और मेरे अब्बू के पास भी ऐसे ही माल मवेशी था। तो ये देखें आप जा रही हैं, छाँव पर बैठेंगी, पानी भी पिएंगी, खैरियत खैर हो, खैर हो। तो लो जी, तो ये मुझे सलाम कर रहे हैं, मुझे जानने वाले हैं मुझे क्या है, खैरियत तबीयत ठीक। तो जी मैं अब जा रहा हूँ वहाँ, तो ये आप लोगों को दिखाना था माल मवेशी भी हमारे यहाँ। आदर आदर, ये जो है ना बंदे ये सारा दिन मेहनत करते हैं, इस माल मवेशी को घुमाते फिराते हैं, पानी पिलाते हैं हमारे इलाके के, ये क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत ठीक, चलो अलग खैर हो आप लोगों की, और भाई आप लोगों की बहुत, चलो इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं भी दुआ मांगे कि चोलिस्तान में बरसात आए और हम माल मवेशी वहाँ ले जाएं, तो हम दुआ करें, आप सब भी दुआ करें इन मवेशी के लिए कि पानी आए और ये वहाँ ले जाएं। उसर भी बहुत जो घास उगता है ये फिर आराम से खाते हैं, और इन लोग वही सुकून से उसके छोड़ देते हैं और फिर खा पी के खुद वापस आ जाते हैं। ठीक है जी, ठीक, ओके जी, ओके, अल्लाह मियाँ करम, अल्लाह करम करेगा। तो जी मैं पहुंच गया अपनी वालदा की बनाई हुई मस्जिद, जो हम भाइयों ने और वालदा ने बनाई, और भी जब भी मैं आता हूं गांव तो मस्जिद में हाज़िरी देता हूं और नमाज भी अदा करता हूं यहां पर, तो मस्जिद के जहाँ से हालात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये हमारे घर था पुराना, आपको पहले भी दिखा चुका हूं, और ये भाई यासिन के हिस्से का था, और ये मेरा कमरा रुका हुआ है, और ये भाई ये इस तरफ से था, ये भाई मेरे साथ भाई सरवर का था, इसके पीछे जो है ना वो मेरे भाई यासिन का हिस्सा था। तो यहाँ पर दरख्त भी लगा है कितना खूबसूरत, और खजूर और नीम का दरख्त भी है भाई, तो खजूर भी होती है यहाँ। तो दिखाता हूँ आपको मस्जिद अंदर से। अच्छा भाई, तो इंसान की दौलत पैसा आनी जानी चीज़ है, ये आती रहेगी जाती रहेगी। तो ये मेरी वालदा का ख्वाब था एक मस्जिद बनाना, क्योंकि जो आता जाता बंदा है इधर, अभी घर तो कोई नहीं है, नज़दीक दूर दूर ही है, तो जो आएगा जाएगा यहाँ से, नलका भी लगा हुआ है, और भाई आते जाते नमाज अदा कर लेगा,
मुसाफिर, तो पहले तो हम यहीं इकट्ठे थे, अभी पढ़ते थे नमाज, अब तो हम सब दूर दूर हैं। लेकिन मेरी वालदा का ख्वाब था अभी आना है जाने वाला मुसाफिर जो है यहाँ वज़ू करके नमाज अदा कर सकता है। तो हर किसी की ऐसी सोच होनी चाहिए, जो अल्लाह का घर बनाए उसका जन्नत में घर बना जाता है। तो इस टाइम वालदा मेरी जन्नत बकिया, मैं अपनी वालदा और वालिद और भाई यासिन भाई रसूल बख्श के लिए दुआ करता हूँ, और अब मेरे हमशीरा के अल्लाह ताला उन्हें जन्नत और फिरदौस अता करें, आमीन सुमा आमीन। तो आप भी दुआ कीजिए मेरी वालदा के लिए। तो चलता हूँ फिर, वहाँ भी पहुँचना है, मैंने ख़त्म पर। وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ और जी और फोटो मेरे बड़े मामू जो थे, और भी मेरे रिश्तेदार अब भी आए हूँ। ये बुज़ुर्ग है हमारे, बड़ी उम्र के, बहुत 100 साल से ऊपर है इसकी उम्र है। अभी तो मैं आया था, मामू को मिला, और जी मेरे मामू का जो बेटा है उसे बिजली वाली तार लगी है, भाभी का भाई है उसे बिजली की तार चोटी है, तो वो उसके चोट आ गई है, बहुत सारी उसे तकलीफ है। अब सबसे अपील है कि आप उसके लिए दुआ करें, मोहम्मद रमज़ान के लिए, अल्लाह ताला उसे जल्द शिफा दे। जो मेरी भाभी है उसका भाई है छोटा, तो अल्लाह ताला उसे जल्द ठीक करे। हम सब दुआ करते हैं, आपसे भी अपील है, आप भी हमारे मामू के बेटे के लिए दुआ करें। ये मेरा मामू बैठा है, ये देखें, ये मेरे कमरों के ऐसे जब बंद पड़े रहे ना कमरे, तो फिर ऐसे हालात कुछ हो जाती है। तो ये हालत हो गई कमरों की, और अब मैं जो है ना इसकी कोई ना कोई सेटिंग करता हूँ, क्योंकि अभी बच्चों ने के रहना है, शादी पर तो यहीं हो गए, बाबर तो नहीं आ सकेगा, लेकिन दिलबर और सुमेरा बेटी वाले भी आने हैं, तो ऐसे कुछ हालात है कमरों की, कुछ सेट करता हूँ भाई। तो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरी यूट्यूब फैमिली तो लोग का करते हैं, और एंड होने से पहले जी कुछ आप लोगों से अपील है भी, आप क्योंकि बहुत सारी दुआएं पहले भी आप लोगों ने की, कामयाबी दी हुई, और भी इस तारा बेटी को आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मोहब्बत से जो चीज़ मिली है, हमारे घरों में खुशियां आई हैं, वो इसके आप खुशी के हकदार आप हैं, और दुआओं के हकदार आप हैं। आप हम आप लोगों के लिए जितना दुआएं करें, अपने चाहने वालों को, अपने सब्सक्राइबरों के लिए, अपने सपोर्टरों के लिए उतना ही कम है। अल्लाह ताला सब के अच्छे दिन गुजारे, और अपने बच्चों के साथ आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें, और अब हर बच्चे को भी ख्वाहिश होती है कि मेरे घर हो, मेरी गाड़ी हो, तो ऐसे सितारा बेटी को भी थी। तो आप लोगों की दुआओं से उसे घर भी, प्लॉट भी अच्छा मिला, पहले प्लॉट मिला, फिर उसके बाद अभी उसको कहीं जाना है, तो फिर उसने गाड़ी ख़रीदी है। तो अल्लाह ताला से बहुत सारी खुशियाँ दे सितारा बेटी को, मेरी बेटी है अभी, तो मुझे बहुत खुशी है। और दिलबर बाबर को भी अपना घर मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। तो अल्लाह ताला सबको अपने घर दे, और अपनी छत दे, और अपनी औलाद के साथ अल्लाह ताला सबको खुश रखे। और जो जितना खुशी आप लोगों ने दी, ये सब इनाम के हकदार आप हैं। बस हम आपके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मोहब्बतें कर रहे हैं हमारी फैमिली से, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह ताला सबको हंसता बसता रखे, आबाद शाद रखे। तो जी मैं सबके लिए दुआ करता हूँ भी, अल्लाह ताला जिसका घर नहीं है अपना, अल्लाह ताला उसको अपना घर दे, और अपने रहने के लिए बंदा सोचता है भी मेरा ना अच्छा घर हो, अच्छा खाना पीना हो, और मेरे पास अच्छी गाड़ी हो। तो वो आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं समझता हूँ भी जो ना सब कुछ मिला है, और जो मुझे मिला है, चाहे दिलबर बाबर को मिला है या सितारा बेटी को मिला है, वो सब आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने बहुत सारी सपोर्ट की, बहुत सारा शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह ताला आप लोगों का इसका अजर ज़रूर देगा भाई, अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है। अल्लाह करता है वो कर भला हो भला, आप लोगों ने भला किया, और आप लोगों की बहुत मेहरबानी। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हर टाइम दुआ देता हूँ आप लोगों को, तो बहुत शुक्रिया। तो अब मेरी जो ख्वाहिश है भाई, मेरी एक ख्वाहिश है वो आप लोगों ने पूरी करानी है, उम्रे वाली भी। मेरा व्लॉग आप जैसे देखते हैं, मैं जितने पैसे आएंगे इंशाल्लाह अब इससे उम्रा करूँगा,
मेरी आखिरी ख्वाहिश है भी मैं उमरा करूँ, औलाद तो नहीं है, बस रोज़ा रसूलुल्लाह ज़रूर देखूँ। पहले भी मैं रोज़ा रसूलुल्लाह देखने गया था तो भाई की मेहरबानी हुई, नहीं रह सका। अब मुझे ख्वाहिश है फिर कि मैं रोज़ा रसूलुल्लाह देख सकूँ। ये आप लोगों की सपोर्ट होगी मेरे साथ, बहुत मेहरबानी। तो उस तारा बेटी को बहुत सारी मुबारक देते हैं, अल्लाह ताला उसे खुश रखे, ऐसे ढेर सारी खुशियाँ और देखने की तौफीक दे भी अल्लाह ताला, और ऐसी हमारी फैमिली खुश देखा। जैसे खुशी होती है तो फिर आप हमारी फैमिली, आप लोगों ने देखा साजिद भी खुश था, बच्चे भी खुश थे, तो साजिद को भी मुबारकबाद पेश करते हैं जी भी। तो अपने बच्चों को, सितारा बेटी को, दिलबर बाबर को, सबको मुबारक भाई। तो बच्चे बहुत खुश थे, कल मैं देख रहा था तो हमारी बेटी सितारा भी खुश थी, तो आप लोगों ने भी देखा होगा। अल्लाह ताला से ढेर सारी खुशियाँ दे सबको। तो जी मेरी तरफ से सबको मुबारक, आप लोगों को मेरी मुबारक, पहले भी आप लोगों को बनती है कि भी सब ये मेहनत से ये सब हमारी कामयाबियाँ आप लोगों ने कराई, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो जी ये और बात बता दूँ आप लोगों को भी, सितारा बेटी ने गाड़ी ली है, इसलिए लिया कि कहीं सितारा बेटी जा रही है। Incoming voice call from 0343-718-2933 on Sim Jazz. तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पता लगेगा अभी कहाँ जा रही है। तो इस तारा बेटी ने गाड़ी क्यों ली कि कहीं जा रही है, तो खैर ये आपको अपने व्लॉग में वो बताएगी भी, मैं नहीं बताऊँगा। अल्लाह ताला उसे खुश रखे और जहाँ जा रही है अल्लाह ताला उसे खैर खैरियत से ले जाए। Incoming voice call from Saraiki on Sim Jazz. तो इसी के साथ जी इजाज़त चाहता हूँ, अगर भी लोग अच्छा लगा हो तो इस बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों का, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में अच्छा अच्छा लेके आप लोगों के लिए। मैं बहुत देर से इसलिए पहुंचा था, अभी जब आ रहे थे पंजाब तो आ गए, दो रिश्तेदारों की लड़ाई हुई, उन लोगों ने एक बंदा मार के आगे रख दिया था रोड पर, तो हम आ गए नहीं जा सके। फिर वो इधर से उधर से घूम 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 कर काम आए, बहुत जलील होकर पहुँचे, तो इसलिए आप मेरी आंखें भी देख रहे हैं सूजी हुई हैं। तो बहुत मुश्किल से हम पहुँचे, खैर आप लोगों की दुआओं से पहुँच गए। तो आगे आपको शादी का माहौल भी दिखाएँगे इंशाल्लाह, बहुत सारी खुशियाँ जो आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह।